फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम जैसे फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही हमारी इस वर्ड की सिंपल सी टेबल में भी फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास तरीका है फॉर्मूला ऑप्शन। ठीक है, तो मैं जैसे चाह रहा हूँ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इन सभी के टोटल मार्क्स इस कॉलम में आ जाए। ठीक है, तो टोटल करने के लिए मैं अगर कैलकुलेटर उठाता हूँ तो एक एक को मैं टोटल कब तक करता रहूँगा, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स, इतना सारा डेटा हम कब तक टोटल करेंगे। तो बजाय इतनी मेहनत करने के हमारे पास सीधा तरीका है, फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो फॉर्मूला पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं इक्वल सम लेफ्ट। कोई सा भी फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम सम का फॉर्मूला कर रहे हैं, सम का मतलब जोड़ना, और फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है इक्वल सम लेफ्ट, मतलब कि जिस सेल में हमने कर्सर रखा हुआ है उस सेल में ये सम का फॉर्मूला अप्लाई होगा, और उसके लेफ्ट साइड के सारे सेल्स में जो डिजिट्स हैं, जो आंकड़े हैं, उन्हें टोटल कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, जैसे ही करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए इन सभी सब्जेक्ट्स का टोटल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, एक बार फिर से हम करके देखते हैं। अगले सेल में फॉर्मूला पर क्लिक किया तो हमारे सामने फॉर्मूला का डायलॉग बॉक्स आ गया है, इसमें आ गया है इक्वल सम अबो। अबो मतलब ऊपर वाले सेल का टोटल करेगा, लेकिन हमें अबो नहीं करना है, हमें तो यहाँ पर चाहिए लेफ्ट, टाइप किया लेफ्ट और ओके। तो इस सेल में अजय के सभी सब्जेक्ट्स का टोटल आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक सेल में हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले से जो टोटल यहाँ पर आया है क्या वो टोटल सही है, इसको चेक करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करके देख लेते हैं। ये कैलकुलेटर, और एक एक को हम करके देखते हैं। जैसे सबसे पहला है 76, 76 प्लस 87 प्लस 77 प्लस 66 प्लस 56 प्लस 54 इक्वल, तो 416 हमने जो कैलकुलेटर से रिजल्ट निकाला है 416, और हमारा जो फॉर्मूला था फॉर्मूले ने भी बिल्कुल सही रिजल्ट यहाँ पर दिया था। मतलब ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह हम वर्ड की इस सिंपल सी टेबल में भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल को एक्टिव कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको सही समय पर मिल जाए। धन्यवाद।